बालाघाट नैनपुर रोड पर लामता थाना के अंतर्गत एक मोटरसाइकिल और पिकअप के बीच हुई टक्कर मोटरसाइकिल सवार सिवनी जिले के केवलारी निवासी अजय जंगेला उम्र 28 वर्ष की हुई मौत। घायल अखिलेश पांडे का चल रहा इलाज। कोसमी स्थित देशी शराब दुकान ग्रामीणों ने कराया बंद। गांव में अवैध रूप से बिक रही शराब का भी जताया विरोध। महिलाओं ने किया आंदोलन। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ ही मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जिले के 27 स्कूलों का बदला गया माध्यम। अंग्रेजी माध्यम से शुरू हुई पढ़ाई। वर्षों से चल रही अंग्रेजी के नियमित शिक्षकों की कमी। बारासरी नगर के अवंतीबाई स्टेडियम में अखिल भारतीय लोधी महासभा के तत्वाधान में अवंतीबाई का मनाया गया बलिदान दिवस। हुए कार्यक्रम। मरारमारी समाज ब्लॉक वारासुनी के द्वारा रविवार को विधायक प्रदीप जायसवाल को सौंपा गया ज्ञापन। फुले दंपति को भारत रत्न की गई मांग। रामपाली थाना के अंतर्गत आने वाले एरवाटोला में 20 वर्ष की लड़की से एक व्यक्ति ने किया दुष्कर्म। घटना के बाद से फरार आरोपी पुलिस कर रही तलाश। लालबरा के जाम में पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच मनाया गया रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस। भाजपा नेताओं के पहुंचने पर विरोध की जताई गई थी संभावना। सुरक्षा की दृष्टि से गांव को पुलिस ने छावनी में किया था तब्दील। जिला मुख्यालय में बस स्टैंड स्थित रानी अवंतीबाई प्रतिमा के निकट मनाया गया रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस। कांग्रेस ने मनाया 20 मार्च को लोकतंत्र सम्मान दिवस। जिला मुख्यालय में नहीं हुआ वरिष्ठ स्तर से भेजे गए निर्देशों का पालन। औपचारिक काम में सिमटा पूरा कार्यक्रम। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में राष्ट्रीय मेरिट कम मेंस छात्रवृत्ति के लिए हुई परीक्षा।